तो आज हमारा सेकंड डे है, तो सेकंड डे आज हमारा ट्रिप है अरकू वैली के लिए। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें इस एडवेंचर से भरे सफर में, जिसमें आज मैं पूरा आपको अरकू वैली का सैर कराने वाला हूँ। हमारे साथ बने रहें, आज जाएंगे हम अरकू वैली और देखेंगे कितना फैंटास्टिक नेचुरल ब्यूटी वहां पर आपको देखने मिलेगा। चलिए चलते हैं आज हम होटल से। आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं कि अरकू में कौन कौन से प्लेसेस हैं देखने के लिए जो आपको देखने जाने चाहिए। तो हमने एक कैब बुक करा ली है, कैब में बैठ गए हैं और निकल रहे हैं। थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद अरकू के और निकलेंगे। हम अभी पहुंचे हैं लोकल स्ट्रीट फूड पे और इसको बोलते हैं वोंडा। तो हम पहली बार ये ट्राई करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम है। और ये हमारा इडली भी आ गया है। भाई साहब की दुकान है वाइजैग में, तो हम यहाँ पर वोंडा और इडली वगैरह ट्राई कर रहे हैं स्ट्रीट फूड। टेस्ट बताता हूँ आपको। स्ट्रीट फूड में हम वोंडा ट्राई करने के बाद आप खा रहे हैं इडली, और साथ ही हमने ऑर्डर किया है डोसा। बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद है यहाँ का। आप जब भी वाइजैग आएँ तो आरके मिस से जस्ट 50 मीटर की दूरी पर है आपका रेस्टोरेंट, यहाँ पर जरूर आएँ। सुंदर वादियों की ओर, सामने आपको बहुत बड़े पहाड़ दिख रहे होंगे, ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ मैं। बहुत ही अच्छा व्यू है अरकू वैली के लिए, पूरी घाटियाँ आपको देखने के लिए। अभी हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट रोड पे। यहाँ से 2 किलोमीटर पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट रोड है और सामने है नेशनल हाईवे नंबर 5 पर जो हम बाईपास छोड़, ये बाईपास रोड है और ऊपर जो छोड़ कर आए हैं वो है नेशनल हाईवे नंबर 5। यहाँ से लेफ्ट 2 किलोमीटर पर एयरपोर्ट। अब हम पहुँचने वाले हैं अरकू घाट की तरफ। तो यहाँ से आपको मेन जंगल चालू हो जाएगा, जहाँ से हम घाट पार करते हुए अरकू वैली की ओर बढ़ेंगे। हम यहाँ पर केला लेने आए हैं, जो कि जिसका नाम है मोकरी केला। यहाँ का विशाखापट्टनम का ये केला है, बहुत फेमस है, इसको आज हम परचेस किए हैं खाने के लिए। देखिए गेको है ये और बहुत ही ज़बरदस्त है। डुमक्कू व्यू पॉइंट अरकू वैली। हम हैं डुमक्कू व्यू पॉइंट अरकू वैली पे और बहुत ही सुंदर स्पॉट है, जैसे कि आप नज़ारा देखिए। नीचे देखिए कितना जबरदस्त, पूरा शहर पूरा गांव जितने भी हैं सबका नज़ारा यहां पर आपको देखने मिलेगा। बहुत ही सुंदर है यहां, ये एक स्पॉट है, यहां पर आके आप जरूर। फाइनली हम पहुंच गए हैं बोर्रा केव्स और अब हैं हम बोर्रा केव्स की ओर बढ़ रहे हैं आगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बोर्रा केव्स और बोर्रा केव्स की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और सामने से राइट टर्न लेके एंट्रेंस है उसका, विजिट करने में लगभग 1 आवर लगेगा, मतलब 1 घंटे का समय लगना है यहाँ पर हमको। और जल्दी ही पहुँच रहे हैं और आपको बोर्रा केव्स मैं आपको दिखाता हूँ। क्या है एंट्रेंस पे बोर्रा केव के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे, ये एंट्रेंस है उसका बोर्रा केव का। और आगे ही आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा है यहाँ का अंदर का नज़ारा, वीडियो में अंत तक बने रहे। तो जैसे ही हम एंट्रेंस की ओर आए हैं हम बढ़ रहे हैं आगे। ये भाई छोटे बंदर लोग, छोटा सा बंदर, छोटा सा। ये सीढ़ी से नीचे हमको जाना है।
स्लोली स्लोली बढ़ते जाएं आप, क्योंकि मुर्रा केव फर्स्ट लुक नहीं गाइड का मुर्रा केव्स के अंदर। तो मुर्रा केव का नज़ारा आपको दिख रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर केव है। साइड भी देख सकते हैं, वहाँ से उसका एंट्रेंस है जहाँ से हम आए हैं, और अभी और नीचे जाने का रास्ता है जहाँ से हम नीचे भी जाएंगे। अब यहाँ से नीचे नीचे हमको जाना है डायरेक्ट, यहाँ से ऊपर से हम आए, यहाँ से आए हैं और यहाँ से फिर हम नीचे जा रहे हैं उधर घूमने के बाद नज़ारा देखने के लिए कि कैसा नज़ारा है नीचे का। पूरा केव्स आपको घुमाऊंगा, देखिए जैसे कि ये दिख रहा है आपको साइड में, यहाँ लाइट लगी हुई है इसके कारण इसकी सुंदरता बढ़ गई है। नीचे आवाज़ भी आ रहा है आपको दिख सुनाई दे रहा होगा आवाज़। अब बढ़ेंगे हम नीचे, वाह चलिए अब हम चलते हैं नीचे, ध्यान से चलना। नीचे जा रहे हैं अब हम धीरे धीरे यहाँ से, पूरा केव का नज़ारा आपको दिखाते हुए आज चलूंगा मैं। कई जगह से पानी भी गिर रहा है और वीडियो बनाते बनाते ध्यान रखना पड़ेगा कि ध्यान से चलना है। ये देखिए नीचे ये यहाँ से पानी गिर रहा है, फिल्टर वाटर। ऊपर चढ़ने का है, नीचे भी एक रास्ता है, तो हम सबसे पहले ऊपर चढ़ के आते हैं फिर नीचे जाएंगे। ऊपर हमको वहां तक चढ़ना है जहाँ से लाइट दिख रहा है आपको, ऊपर बहुत ज्यादा बहुत खतरनाक है और ये लोहे की सीढ़ियाँ हैं, तो हमको वहां तक जाना है और नीचे आप देख रहे हैं गहराई को। से चलें, अगर ध्यान से नहीं चलेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है, क्योंकि सीढ़ियाँ पूरी स्लिपरी हैं, पानी भी है इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो आराम से चलना होगा नहीं तो गिरने की चांसेस है, क्योंकि लोहे में भी जंग लग चुकी है, तो लोहे का भी ज़्यादा आप सहारा ना लें। आप लाइमस्टोन का पूरा जैसे आप बस्तर में देखेंगे वैसे ही यहाँ पर नज़ारा है। ऊपर यहाँ ऊपर में एक शिवलिंग है जैसे कि आप देख पा रहे हैं जहाँ पर लाइट जल रहे हैं, तो यहाँ से गहराई देख सकते हैं आप, बहुत ही गहरा है और ये खड़ी सीढ़ियाँ हैं, एकदम लोहे की सीढ़ियाँ हैं, तो इसमें ध्यान से चलना होगा। गहराई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा गहरा है, लगभग 100 फीट से भी ज़्यादा गहरा है, 100 से 200 फीट गहरा है नीचे जहाँ से हम ऊपर चढ़ कर। ठीक है, यहाँ पर आपको भोलेनाथ का मंदिर मिलेगा छोटा सा, और यहाँ से लगभग 200 फीट नीचे गहरा है, 200 फीट गहराई है नीचे, नीचे जितनी गहराई है नीचे की 200 फीट गहरी है, और ये खड़ी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ एकदम खड़ी हैं। आप चढ़ते समय भी ये लोहे के जो रॉड्स हैं वो हिल भी रहे हैं, आप चढ़ते समय बिल्कुल ध्यान रखें नहीं तो फिर हादसा होने के चांसेस हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है।
आपको दिखाता हूँ, हम आए हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपको शिव मंदिर अगर जाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ से हम ऊपर से शिव मंदिर से भी आ गए। शिव मंदिर के बाद एक और रास्ता है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर आपको ले चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या आपको आगे देख रहे हैं। यहाँ पर फिर से एक पोल के जैसा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ पर भी बोरा के उसमें। और बहुत ही सुंदर आपको नजारा देखने मिलेगा। तो यहाँ से भी हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे और कितना दूर तक है, ये कितने किलोमीटर का केव है। लगभग आधा किलोमीटर से ज्यादा हम चल चुके हैं अब तक। ये केव्स कैसे बनते हैं आखिर? तो केव्स बनते हैं यहाँ, पहले कुछ हजार साल पहले यहाँ पर बहती रही होंगी नदियाँ, तो नदियों के द्वारा पहाड़ों को चट्टानों को खोल बनाया गया, मतलब काट दिया गया है। तो काट दिया गया है तो बहाव, पानी का बहाव जिधर रहेगा बाहर, ठीक है, वहां पर से ही आपको क्या बनेगा, केव जैसा नजारा देखने मिलता है। और यहाँ पूरा ऊपर देखने मिलेगा आपको चमगादड़, तो चमगादड़ की आवाज आप सुन भी पा रहे होंगे, इसलिए ये केव्स बनते हैं। ये पूरा नदियों द्वारा पहाड़ों को काटकर बनाए गए रास्ते हैं, जिसे हम बोल देते हैं केव्स, जो कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया और ह्यूमन ने इसे क्या कर दिया, वेल ऑर्गेनाइज कर दिया, ताकि पर्यटक लोग यहाँ पर आ सके और पर्यटन यहाँ पर बना रहे। खिंचाना है तो थोड़ा दूर आने के बाद ये बहुत ही शानदार जगह है, जहाँ पर आपको देखने मिलेगा फोटो के लिए शानदार जगह। अब हम पहुँचने वाले हैं केव के लास्ट जगह पर, जहाँ पर केव लास्ट हो जाता है। आगे जाने का रास्ता नहीं है तो, लेकिन पानी के लिए तो रास्ता मिल जाएगा, तो पानी के लिए रास्ता जरूर होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक खोल जैसा, है ना, तो इधर जाने नहीं देते हैं, हालांकि यहाँ पर आपको खोल जैसा दिख रहा है के आगे भी रास्ता है, लेकिन हमको यहीं तक जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रिल लगा दिए हैं, तो ये डेड एंड है। इसके आगे पानी के लिए रास्ता जरूर होगा, जो पानी बाहर निकल जाता होगा। ऊपर का हिस्सा दिखाता हूँ, देखिए क्या शानदार हिस्सा है ऊपर में। ऊपर आपको देखने मिलेगा पूरी कलाकृतियां जो पानी के द्वारा बनाई गई हैं चट्टानों में। हम आए हैं वहां से, जैसे कि आपको दिखा रहा हूं, वहां से आए जहां से आपको रोशनी दिख रही है, वापस वहीं तक हमको जाना है, और इधर पूरा रास्ता था और हम आए हैं वहां से, तो वहां वापस हमको पहुंचना है अभी। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम निकल चुके हैं बोर्रा केव से, तो बोर्रा केव से अब हम जाने वाले हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। बोर्रा केव आपको जाना ही चाहिए, यदि आप बस्तर छत्तीसगढ़ का कोटा मस्तक गुफा देखे हैं तो उसी तरीके का है यहाँ पर वाइजैक का बोर्रा केव। उसके बाद हम जा रहे हैं अभी अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। देखिए सबसे पहले आपको एक कुछ नया फल दिख रहा होगा, लेकिन ये नया फल नहीं है, ये है कटहल का फल। कटहल का जो फल है, जो बीज वाला पोर्शन है, वो पकने के बाद इतना सुंदर लगता है, इतना जबरदस्त लगता है कि थोड़ा सा इसमें आपको एप्पल का फ्लेवर मिलेगा, थोड़ा सा पाइनएप्पल का, थोड़ा सा मैंगो का, तो तीनों फलों का ये मिक्सअप है। इतना स्वादिष्ट, इतना जबरदस्त लगता है खाने में, मीठा है। आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए जब भी आप वाइजैक आते। तो हम बोर्रा केव के बाहर हैं, बोर्रा केव के बाहर ये हमको मिल रहा है, सस्ते में भी है, ओनली 10 रुपीज प्राइस का है ये, तो बहुत ही सुंदर। चलिए अब हम ट्राई करने वाले हैं बैम्बू चिकन। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नेचुरली यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है बैम्बू चिकन को, तो हमने अब ऑर्डर कर दिए हैं बैम्बू चिकन। अब हम खाएंगे इसको, टेस्ट करेंगे और आपको टेस्ट करने के बाद बताते हैं कि क्या इसका स्वाद है। भाई नेचुरली इसको बना रहे हैं, तो ये भी आपका वाइजैक के बोर्रा केव्स में के बाहर ही आपको मिलेगा बैम्बू चिकन खाने के लिए, तो पहली बार हम ट्राई करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है बैम्बू चिकन, नेचुरली ये भुना हुआ चिकन आपको दिख रहा है, तो अब इसको हम ट्राई करेंगे जल्दी से, कैसा इसका टेस्ट है। पूरा खत्म करते हुए बैम्बू चिकन को, और टेस्ट अच्छा था, आप भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर बोर्रा केव के बाहर बैम्बू चिकन। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं कॉफ़ी बगान में, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर पूरा नज़ारा कॉफ़ी के बगान का। मैं आपको ले चलता हूँ आगे ऊपर कॉफ़ी बगान में, मेरे साथ चलते हुए। ये पूरे कॉफ़ी के पौधे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें छोटे छोटे कॉफ़ी। आगे देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे हम, पूरा ऊपर में आपको कॉफ़ी के पौधे मिलेंगे जितना दूर तक देखे हैं। तो ये है कॉफ़ी का बगान, ये भी आपका
अर्कू वैली घाटी में ही आपको ये मिलेगा। और बहुत ही सुंदर कॉफी के पौधे हैं जैसे कि आप इसे देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉफी के बगान का ये सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने मिलेगा। ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ, तो देखिए पूरी वादियाँ हैं यहाँ पर, जितने दूर तक देखेंगे उतने दूर तक आपको पूरे कॉफी के बगान मिलेंगे। तो यदि आप घूमने आते हैं तो इस पॉइंट को मत छोड़ें, और यहाँ पर बहुत ही ठंडा महसूस होगा आने के बाद, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ।